Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I... Assalamu alaikum, dosto. दोस्तो आज आपको कुछ नई वैरायटीज विजिट कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और आज आपको मैं दिखाता हूँ इंडोर प्लांट्स जो अपने घरों में अंदर रखने के होते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और अगर चाहे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो शुरू से अगर आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी मालूमात होगी और बहुत सारे प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन सी वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। दोस्तों ये है ड्रैक्सीना, चाइना ड्रैक्सीना इसको कहते हैं और ये इनडोर प्लांट है, मतलब छांव में रहने वाला पौधा है और ये अपने कमरों में, ड्राइंग रूम में, लाउंज में आप रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पौधा है और ये छांव में रखने वाला पौधा है, यानी इंडोर प्लांट है, इसको कहते हैं चाइना ड्रैक्सीना। It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. दोस्तों ये जो मैं पौधा आपको दिखा रहा हूँ ये लेडीज पाम कहलाता है और इंडोर प्लांट है ये भी और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको आप अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में और अपने लाउंज में रख सकते हैं। It's not to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love. It's you, yeah, boy, the one to show me now and forever. No, you never... दोस्तों एक बहुत कमाल की चीज, इसको कहते हैं फरारोडंडाम और फरारोडंडाम ये अपने कमरे में, लाउंज में और ड्राइंग रूम में आप रख सकते हैं डेकोरेशन पीस की तरह और बहुत ही खूबसूरत इसका पत्ता है, बड़ा पत्ता होता है और इसको देखें, मैं आपको दिखाता हूँ इसका पत्ता। This beautiful day, I'm smiling. Holding on to your tight, I guess our hearts kinda lie. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I'm... इन लोगों को ड्राइंग रूम में अब पौधे रखने की जरूरत होती है या लाउंज में, तो वो इस पौधे को भी लगा सकते हैं। इसको कहते हैं फरारोडंडाम और बहुत जबरदस्त। पौधा में दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं चाइना पाम और चाइना पाम बहुत खूबसूरत पौधा है और इसके पत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आप पत्तों का डिज़ाइन देखें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी खूबसूरती किस तरह है। ये कुदरत का एक शाहकार पौधा है और इसको अपने कमरे में, ड्राइंग रूम में और लाउंज में रख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन पीस है। एक पौधा ये है और इसको कहते हैं मकई पत्ता। पत्ते की खूबसूरती देखें इसकी, बहुत ज़बरदस्त है और जब आप अपने ड्राइंग रूम में, कमरे में या इसको लाउंज में आप रखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट हो जाएगा।
Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning. कल मैंने आपको बताया था फ्रेम में लगने वाली बेल जो होती है वो कूनी बेल होती है और इसको किसी भी फ्रेम में लगा के मुख्तलिफ डिज़ाइन आप दे सकते हैं। जैसा कि आप इसमें फ्रेम में देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ तरह के फ्रेम है और उसमें डिज़ाइन बना हुआ है, सीधा ये कहलाती है कूनी बेल। बहुत छोटा पत्ता होता है इसका। When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one that showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one that showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. आपको पिछली वीडियो में मैंने फाइकस के बारे में बताया था और अच्छा वो फाइकस अलग किस्म का था और ये जो फाइकस है ये ब्लैक फाइकस कहलाता है और इसका पत्ता बिल्कुल डार्क होता है ना। ये भी इसकी भी क्वालिटी वही है कि इसको किसी भी तरह के डिज़ाइन में ढाल सकते हैं। इसको बेहतरीन खूबसूरत दूल्हे बना के डेकोरेशन की हम बना सकते हैं इसको। There's so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to Ficus ka ek design. ये एक पौधा है, उसमें से अलग अलग गोले इन्होंने बनाए थे। अच्छी लगी क्या, इसमें अच्छा था और क्या कमी थी, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। oh yeah, all day.